अचानक से जोंगकुक ने ताई को अपनी बाहों में खींच लिया और ताई के दोनों गाल शर्म से टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। ताई, मिस्टर चोन, ये आप क्या कर रहे हैं? जोंगकुक, बेबी, आई एम वार्निंग यू, मेरे सामने कभी भी शॉर्ट ड्रेस मत पहनना, क्योंकि तुम्हारी पैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनी तो मैं तुम्हें ताई वरना जोंगकुक वरना ताई मिस्टर जॉन जोंगकुक, जब भी तुम ऐसी छोटी ड्रेस पहनती हो ना, तभी मुझे अंदर से एक नॉटी फीलिंग आती है। आई एम वार्निंग यू बेबी, मेरे सामने ऐसी ड्रेस कभी भी मत पहनना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ताई, व्हाट? और अचानक से जोंगकुक ताई के और भी ज़्यादा करीब जाने लगा और धीरे धीरे अपना फेस ताई की गर्दन की तरफ ले जाने लगा। ताई, मिस्टर जॉन, ये आप क्या कर रहे हैं? ताई को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था और तभी जोंगकुक पप्पी लेने ही वाला था कि ताई ने हक ब्रोक करने के लिए जोंगकुक को बहुत जोर से धकेल लिया और गलती से जोंगकुक के जख्मी हाथ पर लग गया। जोंगकुक दर्द से चीख उठा, जोंगकुक, आह, मेरा हाथ! ताई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गए। उसने जल्दी से ताई की हाथ पकड़ लिया और अपनी माउथ एयर से उसे हवा देने लगा। ताई, आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, ठीक है ना? आपको ज़्यादा लगी तो नहीं है ना? प्लीज़ बोलिए ना, आई एम सो सॉरी। जोंगकुक के दोनों हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, पर जोंगकुक ताई की क्यूटनेस देखने के बाद चुपचाप मुस्कुराने लगा। ताई की क्यूटनेस देखने के बाद जोंगकुक ने उसे और भी ज़्यादा सताने के लिए झूठ-मूठ की एक्टिंग करने लगा। जोंगकुक, आह, मम्मी, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। ताई, जल्दी से मुझे हक करो। ताई, बेबी, जल्दी से मुझे एक पप्पी दे दो, वरना मेरा दर्द ठीक नहीं होगा। ताई, व्हाट? मिस्टर जॉन, आपने कुछ कहा? जोंगकुक, आह, मेरा हाथ। और फिर ताई ने अपनी खूबसूरत नरम हाथों से जोंगकुक के बालों की केयर करने लगा और कहने लगा, मिस्टर जॉन, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पर ठहरिए, मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ, ठीक है? ताई मेडिसिन लाने के लिए जाने ही वाला था कि पर जोंगकुक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और ताई को पीछे से हक करने लगा। जोंगकुक, ओके, अब सब कुछ ठीक है, अब चलो। ताई, पर मिस्टर जॉन, पहले आप मुझे हक करना बंद कीजिए। और फिर ताई ने देखा कि जोंगकुक ताई की तरफ देखकर एक नॉटी स्माइल कर रहा है। और फिर जोंगकुक ने ताई से कहा, जोंगकुक, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हुआ ताई, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो? क्या तुम मुझे टच करे बिना नहीं रह सकते? कहीं तुम मुझे गलत तरीके से छूना तो नहीं चाहते हो ना? ओह, इसीलिए तुमने अंदर से दरवाज़ा बंद किया है ना? क्यों ताई?
व्हाट? मैंने कुछ नहीं किया है, आपने अंदर से दरवाज़ा बंद किया है और आपने मुझे हक करके रखा है। आप जल्दी से चलिए, मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। ताई ने जल्दी से जोंगकुक से खुद को अलग कर दिया और फिर नोटी जोंगकुक ने जानबूझकर सरदर्द की नाटक करने लगा ताकि ताई फिर से उसकी करीब आ जाए, क्योंकि वो ताई को अपने करीब चाहता था, बहुत ज़्यादा करीब। वो ताई से अलग होना नहीं चाहता था जोंगकुक। ताई, मुझे लगता है मेरे सर बहुत जोर जोर से घूम रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। ताई, जल्दी से मुझे पकड़ो। ताई, पर एक मिनट पहले तो आप ठीक थे ना, और फिर अचानक से। और ताई की ये बात सुनने के बाद जोंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जोंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस से कहा, जोंगकुक, इसका मतलब तुम मेरी हेल्प करना नहीं चाहते हो ना? ठीक है, तुम मेरे रूम से चले जाओ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। गेट आउट फ्रॉम माई रूम, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। और जोंगकुक के ये बात सुनने के बाद ताई ने जल्दी से आकर जोंगकुक को पकड़ लिया ताकि वो सरदर्द की वजह से गिर ना जाए। जोंगकुक ने ताई के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बात किया, क्योंकि जोंगकुक को पता था अगर वो ऐसा बोलेगा तो ताई उसके और भी ज़्यादा करीब आएगा, और इसीलिए जोंगकुक ने ताई के साथ गुस्से में बात किया और ऐसा हुआ भी। ताई जोंगकुक के बहुत ज़्यादा करीब आ गया और उसको पकड़कर चलने में उसकी मदद करने लगा, और ये देखकर जोंगकुक छुप छुप कर मुस्कुराने लगा। और जोंगकुक अपने मन में ही कहने लगा कि जोंगकुक, ओह जोंगकुक, क्या एक्टिंग किया है तूने, तुझे तो इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। और फिर ताई धीरे धीरे जोंगकुक को लेकर बिस्तर की तरफ जाने लगा ताकि जोंगकुक वहाँ पर बैठे और ताई उसे मेडिसिन लगा दे। ताई, मिस्टर जॉन, क्या आपको अभी भी चक्कर आ रहे हैं? और ये सुनने के बाद जोंगकुक दोबारा से एक्टिंग करने लगा। जोंगकुक, आह मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है ताई। ताई, मिस्टर जॉन, आप मुझे अच्छे से पकड़िए, मैं आपको मेडिसिन लगा दूंगी और दवाई भी दे दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे अच्छे से पकड़ कर रखिए। और ये सुनने के बाद जोंगकुक ने ताई को और भी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया और जोंगकुक अपने मन में ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो ताई के बहुत ज़्यादा करीब जाना चाहता था। और अब जोंगकुक और ताई बिस्तर के सामने पहुंच गए हैं। ताई, मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर बैठिए, मैं पहले ड्रायर से मेडिसिन निकाल लेता हूँ। और तभी जोंगकुक के दिमाग पर एक नॉटी आइडिया आया और ताई जोंगकुक को छोड़ के जाने ही वाला था कि जोंगकुक ने ऐसे एक्टिंग किया कि वो अभी इसी वक्त सेंसलेस हो जाएगा। इनोसेंट ताई ने जल्दी से जोंगकुक को पकड़ने की कोशिश की, पर उसका पैर स्लिप कर गया और वो गलती से बिस्तर के ऊपर गिर गया। और फिर नॉटी जोंगकुक ने सेंसलेस होने का एक्टिंग किया और जानबूझकर ताई के ऊपर गिर गया। और अब ताई का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि जोंगकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब था। और फिर ताई ने देखा कि जोंगकुक उसकी तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देख रहा था। और फिर जोंगकुक धीरे धीरे ताई के करीब आने लगा। और फिर जोंगकुक ने, अब तक आपने देखा कि इनोसेंट ताई नॉटी जोंगकुक की मदद कर रहा था, पर गलती से ताई बिस्तर पर गिर जाता है और जोंगकुक
सेंसलेस होने की एक्टिंग करता है और ताई के ऊपर जानबूझकर गिर जाता है, क्योंकि चुंगकुक ताई को बहुत ज्यादा करीब चाहता था। वो ताई के साथ रोमांस करना चाहता था और अब जोंगकुक ताई के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, बहुत ज्यादा करीब। और अब कैसे जोंगकुक ताई के साथ रोमांस करता है ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट पर। बाय बाय।